हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं मसाला अरबी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इन अरबी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनको बॉईल करेंगे कुकर में डाल के, और 2 से 3 सीटी लगाएंगे फुल फ्लेम पे। ये देखिए, मैंने अरबी को कुकर में डाल दिया है बॉईल करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और अब हम इसको गैस पे रख के बॉईल करेंगे अपनी अरबी को। ये देखिए, हमारी अरबी जो है ये अच्छे से बॉईल हो गई है। हम इस तरीके से नाइफ डाल के इसके अंदर देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं। हमें ये बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करनी है। अब हम इनको ठंडा करके इनको छील के रख लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी अरबी को छील के इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने अरबी के अंदर मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, जिसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और मैंने इसको गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ अदरक। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च, जिसको मैंने लंबा स्लाइस में काट लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अपनी अरबी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने अरबी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट। अब हम इसको ढक देंगे और हमें ये सिम गैस पे ही पकानी है 4 से 5 मिनट। ये देखिए, हमारी अरबी को 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमने इसको लो फ्लेम पे पका लिया है। हमारी अरबी जो है बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे चॉप कोरिएंडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी मसाला अरबी जो है बनके तैयार हो गई है। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये देखिए, हमने अपनी मसाला अरबी को सर्व कर लिया है। हमारी मसाला अरबी जो है बनके तैयार हो गई है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।